5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बड़े बदलाव किए गए हैं और आईसीसी ने नए शेड्यूल को जारी कर दिया है। आपको बता दें कुल मिलाकर 9 मैचों की तारीख बदली गई है, जिसमें से पाकिस्तान के 3 मैचों की तारीख बदली गई है। वहीं भारत के 2 मैचों की तारीख में बड़े बदलाव किए गए, जिसमें से एक मुकाबला भारत दिवाली के दिन यानी कि 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप में होने वाले महामुकाबले की तारीखों में आईसीसी ने किया बड़ा बदलाव। आपको बता दें पहले यह मैच 15 अक्टूबर को खेला जाना था, लेकिन अब नए शेड्यूल के मुताबिक ये मुकाबला एक दिन पहले 14 अक्टूबर को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। नवरात्रि के चलते इस मुकाबले की तारीखों में बदलाव किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान बाबर आजम के हाथ में और टीम इस प्रकार है: फखर जमा, शफीक, फहीम, हारिस रऊफ, इफ्तिकार, इमामुल हक, मोहम्मद हारिस, नवाज, रिजवान, मोहम्मद, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान आगा, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, तैयब ताहिर और उस्मान मीर को टीम में जगह मिली है। वनडे क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए सूर्य कुमार यादव ने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूर्य ने कहा कि मुझे पता है कि वनडे क्रिकेट में मेरे आंकड़े सही नहीं है और मैं उस चीज पर काम कर रहा हूं। साथ ही मुझे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने वनडे क्रिकेट में मेरे रोल के बारे में भी बता दिया है। सूर्य को एशिया कप के लिए टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी क्रेग इरविन ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान। इरविन के मुताबिक इस वनडे वर्ल्ड कप में विराट कोहली शानदार प्रदर्शन करेंगे और ये वर्ल्ड कप विराट कोहली के नाम से ही जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय टीम इस वक्त अपना बेस्ट खेल दिखाएगी वनडे वर्ल्ड कप में और वो जीतने के प्रबल दावेदार भी हैं। टीम इंडिया के फिरकी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के खिलाफ हो रही साजिश को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अश्विन ने बताया कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया को प्रबल दावेदार बताकर उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, जिसका बहुत ज्यादा असर खिलाड़ियों के मनोबल पर पड़ता है। वनडे वर्ल्ड कप से पहले भी टीम इंडिया को लेकर कई सारे ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने इंग्लैंड में खेले जा रहे रॉयल लंदन कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए जड़ा दोहरा शतक। पृथ्वी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बनाने के बाद अगले 100 मात्र 48 गेंदों में पूरे किए। इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करके पृथ्वी शॉ टीम इंडिया में वापसी की राह तलाश रहे हैं। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने का फायदा मिला है। ताजा आईसीसी रैंकिंग में गिल बल्लेबाजों की सूची में 5वें पायदान पर पहुंच गए। इसी के साथ उनको इस हफ्ते 2 पायदानों का फायदा हुआ है। साथ ही तिलक वर्मा इस वक्त टी20 रैंकिंग में 46वें स्थान पर पहुंच गए। तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे टी20 में अर्धशतक लगाया था और तीसरे टी20 मैच में उन्होंने 49 रन की नाबाद पारी खेली थी।